हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की आईडी को किसी ने लॉगिन किया हुआ है और आप चाहते हैं उसे हटाना? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने मोबाइल से उन सभी के फोन से अपने आईडी को कैसे हटा सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। इसे देखने के लिए चलते अपने फोन पे। सो हेलो फ्रेंड, यहाँ आप अपने फोन पे है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सभी आईडी को एक साथ कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। यानी हमारा जो आईडी है और जिस जिसने लॉगिन किया है उन सभी आईडी को अपने फोन से कैसे एक साथ लॉग आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सिंपली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। देन अपने नाम के ऊपर क्लिक करना है। अपने नाम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लॉग आउट ऑल डिवाइस। तो यहाँ पे हमें सभी डिवाइस से अपने आईडी को लॉग आउट करना है, इसलिए यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP आएगा जो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। आप सब जैसे यहाँ पे अपने OTP को सबमिट करेंगे उन सभी के मोबाइल से आपका आईडी लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली मेरा आईडी सभी के फोन से लॉग आउट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेरे फोन में ही है लॉगिन, और मेरे फोन के अलावा जितने भी फोन में लॉगिन किया हुआ था उन सभी के फोन से हट चुका है। तो चलिए इसे हम बैक कर देते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सभी आईडी को एक साथ लॉग आउट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।